एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनीता, प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। इन दिनों दरभंगा जिला भीषण शीतलहर की चपेट में है। हड्डी टुटराने वाली सर्द रात में डीएमसीएच में भर्ती मरीजों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। सर्जिकल वार्ड में खिड़कियों के शीशे टूटे हुए है। ठंड से बचाव के लिए डीएमसीएच प्रशासन ने फटे हुए कंबल मुहैया कर अपना कर्तव्य निभा दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट में। सर्द पछिया हवा के झोंके ने डीएमसीएच के सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी है। टूटी हुई खिड़कियों व दरवाजे के शीशे से होकर ठंडी हवा मरीजों को कपकपा रही है। टूटी हुई खिड़कियों पर गमछा या साड़ी की ओहार लगाकर परिजन सर्द हवा से बचने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। वहीं डीएमसीएच की इस कुव्यवस्था का दंश मरीज के साथ साथ उनके परिजन भी झेलने को विवश हैं, क्योंकि सर्जिकल वार्ड में जो मरीजों के बीच कंबल का वितरण किया गया है वो भी फटे और पुराने हैं। ऐसे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि पूछ की इस सर्द रात कैसे कटेगी। वहीं सर्जिकल वार्ड में कंबल वितरण कर रही सिस्टर इंचार्ज से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि रख रखाव के चलते चूहे ने सारे कंबल को काट दिया है। हालांकि वो भी मानती है कि इस कड़ाके की ठंड में इस कंबल से काम नहीं चलेगी। वहीं परिजनों का कहना था कि वार्ड की दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन द्वारा जो कंबल मिला है उसे भी चूहा काटे हुए है, और जब हमने इसकी शिकायत की तो सिस्टर ने कहा कि जब नया आएगा तो उसे बदल दिया जाएगा। वहीं जब हमने इस संबंध में अस्पताल अधीक्षक से बात की तो उनका साफ कहना था कि भवन की देखभाल भवन विभाग को करना है, और इसको लेकर कई बार हमने विभाग से पत्राचार किया है लेकिन उनके तरफ से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, और हम लोग से जो संभव है उसे हम लोग करते हैं। जहां तक चूहे द्वारा काटे गए कंबल वितरण की बात है, पता करके उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें से तो हवा एबे करे है, कब कितनो कुछ करे बेसे तो हवा एबे करे है। यहां पर बेड लाग रहे तो के बारे नहीं लोगे है, ये बेड लाग जाती के बारे नहीं लोगे है, खुले रहे कब के बारे हमें और ठंडा लोगे है। कंबल मिला आप लोगों को? तो फुटलावा कंबल मिला। बोले नहीं आप? बोले तो कहा बोलू दीदी, बोली बोलू आवेगा कंबल तो हम बदल देंगे, तब तक ले जाइए। रख रखाव के चलते जगह ऐसा है कि चूहा काटता है, तो उसमें जो उपलब्ध है सो हम बांटते हैं। आप मानते हैं कि जिस प्रकार की स्थिति है कंबल की, उस प्रकार की स्थिति में सर की रात कट जाएगी? इससे तो नहीं कटने वाली है, लेकिन जो सरकार दी है सामान हम उसी को ना बांटेंगे, हम तो अपने पॉकेट से नहीं देंगे कि नहीं। ये सब तो पीडब्ल्यूडी को करवाना है, बहुत बार हमने लिख के दिया है, और सर्जिकल वार्ड में पीडब्ल्यूडी एक भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि वो कंट्रोल बिल्डिंग है और हम लोगों से जो संभव होता है सो करते हैं। कमल वितरण पे सर क्या कहेंगे? कम्बल वितरण तो हो रहा है, जो पेशेंट लेना चाहते हैं उनको कम्बल मिल रहा है। ये चूहा वाली बात जो बोले हैं तो पता करते हैं कि किसके यूनिट में ऐसा है, तो पता करके हम एक्शन लेंगे। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए तुलसी झा की रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा निवेदन समिति के सभापति भाई वीरेंद्र ने बुधवार को लहेरिया सराय परिसदन में दरभंगा जिले के तमाम आला अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षात्मक बैठक की एवं चल रहे विकासात्मक कार्य का हाल जाना, साथ ही कई आवश्यक निर्देश भी। आज हमारे नेता का फैसला होना था, हम लोग कोर्ट का सम्मान पहले भी किया है और आज भी करेंगे और कल भी करेंगे कोर्ट का फैसला का सम्मान, लेकिन किस कारण से आज फैसला नहीं हुआ, कल का डेट रखा गया है। हम लोग इंतजार कर रहे थे अपने नेता का कि आज जेल से बाहर निकलेंगे, चूँकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी करोड़ों जो बेजुबानों की जुबान हैं और सामाजिक न्याय की धारा को आगे बढ़ाया है इन्होंने, जो नीचे पैदान पर जो लोग हैं उनकी आवाज़ थे लालू प्रसाद यादव हैं, और सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने वाला हिंदुस्तान में पहला ही आदमी है। अगर ये भी चाहते तो एनडीए से मिलकर अपना केस खत्म करा सकते थे, बेवजह इनको केस में फंसाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट किया है कि सीबीआई केंद्र सरकार की तोता है, और वही सीबीआई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को परेशान करके रखी है, चूंकि वो गरीबों की जुबान है, इसलिए गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। बिहार नहीं देश की जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग अपने अपने धर्म में कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं, कोई इबादत कर रहे हैं, कोई प्रार्थना कर रहे हैं, कोई अरदास लगा रहे हैं, सभी अपने अपने धर्मों के मानने वाले लोग लालू यादव की रिहाई के लिए, लालू यादव के बेहतरी के लिए आज सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। लालू यादव एक विचार है और उस विचार की चर्चा देश और दुनिया में हो रही है, और हम समझते हैं गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और कर्पूरी जी के श्रेणी में आज हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव हो गए हैं, और लालू प्रसाद यादव जी का स्वर्ण अक्षरों में इतिहास लिखा जाएगा। और बिहार में नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में 6 जनवरी को पूरे विधायक, पूर्व विधायक, माननीय सांसद, पूर्व माननीय सांसद जो पार्टी से चुनाव लड़े हैं विगत चुनाव में, जो जिले के अध्यक्ष हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है, और राष्ट्रीय जनता दल जंगे ऐलान करेगी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और गांव-गांव संदेश पहुंचाएगी कि नीतीश कुमार जो तथाकथित सुशासन बाबू कहलाते हैं, गरीबों के गाढ़ी कमाई का पैसा ये बंदर बांट कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, और जहां भी जिस जिले में जा रहे हैं वहां जनता नहीं पहुंच रही है, वहां सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी तंत्र है, चाहे वो जीविका का हो मामला हो, आंगनबाड़ी के सेविका का मामला हो, आशा का जो सदस्य है महिला, उनको ढोकर गाड़ी में भीड़ लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा है। जनता के गाड़ी कमाई को ये बंदर बांट कर रहे हैं, और बिहार में विकास अवरुद्ध हो गया है, चाहे वो सरकारी विकास हो या आम आवाम का विकास हो। राजद विधायक एवं निवेदन समिति के सभापति भाई वीरेंद्र तथा राजद विधायक मुंद्रिका प्रसाद राय यूं तो दरभंगा प्रशासन एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक करने दरभंगा आए थे, लेकिन अपने पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को निर्दोष करार देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने लालू को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी एवं सीबीआई की साजिश बताया। We'll be right back.
देश हमारा प्रगति कैसे करेगा, जब हमारा राज्य प्रगति करेगा तो देश हमारा प्रगति करेगा। इसमें हमारा आपका सबका सहभागिता चाहिए। अगर सहभागिता नहीं रहेगी तो हम प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। नौकरी आप करते हैं, नौकरी करते रहिए, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है, हम राजनीति करते हैं, आप नौकरी करते हैं, अगर आने वाला पीढ़ी के साथ अन्याय हम लोग करके जाएंगे तो आने वाला पीढ़ी कभी हम लोग को माफ़ नहीं करेगा। आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पैसा सब जगह काम नहीं करता, और ना जाने के मरता है आदमी, कफन में पॉकेट भी नहीं रहता कि हम आप लेकर चले जाएंगे और वहाँ भोग विलास करेंगे। लेकिन हम यही आग्रह करेंगे सभी पदाधिकारियों से, आप एक परिवार है बिहार के, हम नेता के रूप में हैं, आप एक पदाधिकारी के रूप में हैं, सब लोग एक दूसरे के सहयोग करके बिहार के बेहतरी के लिए काम कीजिएगा तो आने वाला कल भी हमारा आपका सबका याद करेगा, और पीढ़ी भी कहेगा कि हमारा जो था गार्जियन वो अच्छा काम करेगा। मारपीट में बुरी तरह घायल चार व्यक्ति डीएमसीएच में इलाजरत हैं और 48 घंटे बाद भी पुलिस ने पीड़ितों का फर्द बयान नहीं दर्ज किया है। पूरा मामला कुछ यूं है। धनार चौक से 2 किलोमीटर पूर्व चिपलिया निवासी पवन यादव अपने भाई लाल बाबू यादव तथा मां सुशीला देवी के अलावा पिताजी बुद्धन यादव के साथ अपने घर में सोए हुए थे। 1 जनवरी की रात 10:30 बजे बाबू साहेब महतो समेत आधा दर्जन लोग अचानक आ धमके और सभी को मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। सभी घायलों का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है, लेकिन 2 दिन बीतने को हुए अभी तक सहायक थाना बेता के पुलिस कर्मियों ने घायलों का फर्द बयान नहीं दर्ज किया। पवन कुमार यादव। पिता का नाम? पिता का नाम श्री बुद्धन यादव। क्या हुआ घटना के साथ? घटना सर 10:30 बजे रात की है। मेरे मम्मी पापा अंदर में सो रहे थे भाई जी, उस समय जो है कुछ शराब पी कर लड़के लोग आए, जिसमें से 4-5 को पहचानते हैं, मम्मी पापा और हम लोग भी पहचाने हैं। उस समय टट्टी को ढक ढकाया। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम था आपको रोशन महतो, और जो है नाम है इसका नाम है, एक का नाम है सन्नी महतो और एक का नाम है बाबू साहब, समझे। और 4-5 लड़का और था। सभी कहाँ के? सभी लड़के कहाँ के रहने वाले? ये लड़के रहने वाले हैं गंज चौक का। रोशन महतो के पिता का नाम है जय किशन महतो, और जो है इसका सन्नी महतो का अति पिता का नाम है ये मंजू महतो, और बाबू साहब के पिता का नाम है नसनी महतो, और उसके साथ 2-3 और थे जिसको हम नहीं पहचान पाए। मुँह कान बांधे हुए थे, टट्टी ढकढकाया, मम्मी पापा उठे तो उसको। कितने बजे की घटना है? 10:30 बजे की घटना है रात में जी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो है मम्मी पापा निकल कर आए तो फिर आवाज़ जब होने लगा तो भाई भी उठ कर आए तो बोला भाई जी क्या बात है, काहे हल्ला कर रहे हो रात में? तो उसको बोला शराब के नशे में लड़का सब धूत, तो उसको बोला कि शराब हम लोग बेचते तो तुम कंप्लेन काहे करते हो, शराब बेचते उसको कंप्लेन। बंदूक भी निकाला हुआ था, बंदूक भी दिखा रहा था, अगर ज़्यादा बोलोगे कंप्लेन कर दूंगे तो मार देंगे। इस पर जो है सब खींच कर जो है इस पार ले आया पान के दुकान के इस पार, वहाँ पर जो है भाई को मम्मी पापा को मारने लगा, भाई को भी। तो उस भतीजा हमको उस फोन किया से मार रहा था, मार रहा था उस समय। उसके पास लाठी था और जो है अति था, लाठी ले आया था
और उसके पास खंजर था। जब हम आए तो खंजर से हम पर वार किया गया, जो मेरे पास ये है खंजर से वार किया गया है यहाँ और यहाँ वार किया गया। और आगे का, आगे का यहाँ वार किया गया है, ठाका भी है, कर कपार पर रोड से मारा है। ठीक है, मम्मी पापा को भी कपार पर मारा है रोड से, ईटा से सीना पर बाबूजी को लगा है, पापा को भी जो है छोर से लगल है, और भाई जी को ईटा से जो है मजक पर लगा हुआ है, सब पर लगा हुआ है। अपना नाम बताइएगा। अमरनाथ कुमार। घर? बरुआरा जी। क्या परेशानी हुई आपको? मेरे संबंधी ऐसा संबंधी मेरे जिया जी हैं, उन पे एक तारीख को रात को 10 बजे अज्ञात लोगों ने, और कुछ जिसको जानते हैं मेरे जिया जी उनके पिताजी जानते हैं, उन लोगों ने डैगर पिस्टन और रॉड से हमला किए जो कि ईटा से, और चार आदमी बुरी तरह जख्मी है। किन किन पे किया गया जीजा जी के साथ साथ? वो एक बुधन यादव है, उनके पिता लाल बाबू यादव, उनके भाई, और ये उनकी माता है सुनेना अति सुशीला देवी। तो क्या सभी अभी डीएमसीएच में भर्ती है? जी अभी डीएमसीएच में भर्ती है, अभी हम भी डीएमसीएच में हैं। किस हाल में है? बुरी स्थिति है, तीनों का ज़्यादा सीरियस हालत है। तो क्या आरोपी पे पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? आप लोगों ने आवेदन दिया है? मैंने 2 तारीख को थाना बहादुरपुर में अप्लीकेशन दिया, अभी तक डीएमसीएच का थाना डीएमसीएच में मेरा बयान लेने नहीं आया, न किसी भी परसेंट का बयान लेने आया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर नीलांबर चौधरी की 50वीं जयंती के मौके पर बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 2 दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्वर्गीय चौधरी की तस्वीर पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण के बाद सबों ने स्वर्गीय चौधरी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को याद किया। विदित हो कि डॉक्टर नीलांबर चौधरी के निधन के बाद कांग्रेस ने उनके पुत्र डॉक्टर दिलीप चौधरी को उम्मीदवार बनाया और वे वर्तमान में कांग्रेस की ओर से विधान पार्षद है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही है कि बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। हम लोग के अभिभावक दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य पूर्व डॉक्टर नीलांबर चौधरी जी का 84वां जन्म दिवस आज हम लोग कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। नीलांबर बाबू हम लोगों को एक अभिभावक के रूप में जाने जाते थे। नीलांबर बाबू शिक्षा जगत में खास करके मिथिला विश्वविद्यालय में एक चाहे जो कोई भी वाइस चांसलर आए हो, लेकिन नीलांबर बाबू के बगैर कोई काम यूनिवर्सिटी का नहीं होता था। नीलांबर बाबू एक प्रशासक के रूप में, एक शिक्षा जगत में जो उन्होंने इस समाज को जो सेवा की, वो निश्चित रूप से उनकी याद रखी जाएगी। खुशी है कि आज उनके पुत्र डॉक्टर दिलीप चौधरी उसी पद पर कार्यरत रह के इस समाज को, इस शिक्षा जगत को अलग जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग नीलांबर बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।
देशवासियों को मैं अपनी ओर से एवं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। क्योंकि अंग्रेजी नववर्ष का नया साल 1 तारीख को हम लोग मनाते हैं उस अवसर पर, एवं 14 तारीख को मकर संक्रांति के जो हिंदू का एक बहुत महान पर्व है उस अवसर पर भी हम दरभंगा जिला के तमाम निवासियों को अपनी ओर से एवं प्रदेश किसान मोर्चा की ओर से हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं HK झा, निदेशक महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरियासराय दरभंगा, नए वर्ष के पावन अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षक शिक्षिकाओं, अभिभावकों, आप मीडिया बंधुओं, जिला प्रशासन के पदाधिकारियों और समस्त मिथिलांचल वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ कि यह वर्ष 2017 जो हम सबों के लिए जीवन में एक अमिट छाप छोड़कर गुजरने को है, और साथ ही वर्ष 2018 का जो आगाज होना है वह हम सब के जीवन में प्रेरणादायी हो। नई उमंग और नए जोश के साथ हम सभी संकल्प लें कि नव वर्ष के अवसर पर हम कुछ ना कुछ अपने राष्ट्र की भलाई के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए कदम उठाएंगे। नव वर्ष की नव वेला में 2018 के शुभ अवसर पर लोटस मॉडर्न एकेडमी मुख्य शाखा बरहेता रोड एवं द्वितीय स्थापित शाखा शैद नगर लहरियासराय के सभी शिक्षकों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों, सहायकों, संरक्षकों, प्रेस के प्रतिनिधियों, उच्चाधिकारी जिनके सहयोग से विद्यालय क्रमशः उत्क्रमित होते हुए अग्रसर हुआ है, उन सबों को शुभकामना प्रकट किया जाता है। मैं जावेद अहमद खान, एडवोकेट, आप सभी मिथिलांचल वासियों को नववर्ष 2018 के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष 2017 अब हम लोगों के बीच से विदा हो रहा है, अब नए साल में हम लोग कदम रख रहे हैं। नया साल तरक्की का नया अवसर प्रदान करे। नव वर्ष 2018 के शुभ अवसर पर नुसरत आलम वार्ड नंबर 39 के समस्त जिला वासियों, दरभंगा नगर निगम के महापौर, उप महापौर, आयुक्त के साथ तमाम पदाधिकारियों के साथ वार्ड नंबर 39 की तमाम जनता को नव वर्ष के हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सभी मिथिला वासियों को विकी TVS की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के जीवन में अगले साल ढेर सारी खुशियाँ और तरक्की लाए। समस्त दरभंगा जिला वासी, शिक्षक, कर्मचारी, पदाधिकारी, छात्र, नौजवान, अभिभावक एवं अनुसूचित जाति के भाई बहनों को नव वर्ष 2018 की हार्दिक शुभकामनाएं। बलराम राम, प्रमंडलीय संयोजक, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के परिवार की ओर से नव वर्ष एवं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरे मिथिलावासी, बिहारवासी, सभी स्कूल के बच्चों, अभिभावक, प्रशासन के पदाधिकारियों, मीडिया के बंधुओं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष 2018 सब के लिए ढेर सारी खुशियां लाए। जिनका जो मनोकामना 2017 में नहीं पूरा हो सके वो 2018 में सबका मनोकामना पूरा होगा। खास करके स्कूल के बच्चों, अभी पीछे आप लोग देखे होंगे कि क्लास 10th के बच्चे को CGPA सिस्टम में एग्जामिनेशन जो मैट्रिक का देता था बच्चे, उसमें ग्रेड मिलता था, CGPA मिलता था। अब कुछ सिस्टम चेंज हुआ है, अब परसेंटेज के हिसाब से जो पहले रिजल्ट आता था उसी परसेंटेज के हिसाब से रिजल्ट आना है। इसलिए हम सभी बच्चों के भविष्य के लिए कामना करते हैं कि जिस तरह से हमारा बिहार पूरे देश में अव्वल हमेशा रहा है, इस बार भी 2018 अव्वल रहेगा। ये सभी हम सभी बच्चों को शुभकामना देते हैं। हाजागंज नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग, पारा मेडिकल कॉलेज, सैद नगर लहरियासराय,
दरभंगा के परिवार की ओर से एवं खाजा ग्रीनवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग में पढ़ रहे छात्र, पारा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्रा छात्र के अभिभावक की ओर से दरभंगा सहित पूरे मिथिलांचल के सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, मीडिया कर्मी के साथ साथ आम जनता को 2018 जो आने वाला है नए वर्ष के रूप में तहे दिल से मुबारकबाद, धन्यवाद। साथ ही आशा करते हैं कि आने वाला जो 2018 हो हम लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आगे। आप समस्त मिथिलावासियों, खासकर हमारे देशवासियों और दरभंगा वासियों का मैं स्वागत करती हूं और इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिला महामंत्री मैं अपनी ओर से समस्त जिलावासियों का नए वर्ष में अभिनंदन करती हूं। साथ में आशा करती हूं कि आप सबों के जीवन में खुशियां, सुख शांति बना हुआ रहे और ये साल आप लोगों के लिए बहुत सारा अमेजिंग खुशियां लेकर आए। मैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज लहरिया सराय की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जिला अधिकारी, मीडिया कर्मी, विधायक, सांसद, नगर निगम पदाधिकारी, मेरे विद्यालय के बच्चे, बच्चे के अभिभावक एवं शिक्षक शिक्षिकाओं, शहरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आने वाला समय खुशियों से भरा हुआ हो, हर्षोल्लास के साथ इस आने वाले समय को लोग व्यतीत करें, यह हमारी शुभकामना है। और ढेर सारी शुभकामनाओं मैं अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को देता हूँ। हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं और खुशियों से मन भरे रहें, बच्चों का मन लगाकर बच्चे पढ़ें, यह हमारी हार्दिक शुभकामना है इन सबों बच्चों के लिए। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये जो है एक कॉकलियर इम्प्लांट होती है जो कि एक कृत्रिम यंत्र है जो कि प्रभाकर आनंद, नव वर्ष की शुभकामनाएं दरभंगा जिला के सारे प्रशासनिक तंत्र एवं मीडिया कर्मी को हार्दिक बधाई देता हूं एवं शहर वासियों को 2018 के हार्दिक बधाई देते हुए सादगी सहित जीवन व्यतीत करने का बधाई देता हूं। वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सबों के लिए नव वर्ष मंगलमय हो, इसी कामना और विश्वास के साथ हम लोग नव वर्ष का स्वागत करें। मैं प्रभात कुमार, नव वर्ष के शुभ अवसर पर मैं रोटरी क्लब दरभंगा की तरफ से एवं विशुद्धानंद हॉस्पिटल की तरफ से समस्त दरभंगा वासियों को शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं कि ये नव वर्ष हम लोगों के लिए मंगलमय हो और हम लोग शांति से मनाएं इसको। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय जीएनगंज नियर पंजाब नेशनल बैंक लहरिया सराय दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924